दोस्तों शब्द परीक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? शब्द परीक्षा का अर्थ है कि जब हम किसी भी संस्कृति को, जाति को, धर्म को एक शब्द पर लिटाकर उसका दुनिया से खात्मा करने की कोशिश करते हैं, वह होता है किसी भी चीज का पोस्टमार्टम। तो कोई भी सरकार, इसी तरह से कोई भी सरकार एक दूसरे का पोस्टमार्टम करती है। जैसे कि आजकल की राजनीतिक संस्था में हम देखते हैं, अखबार में हम पढ़ते हैं, न्यूज में हम सुनते हैं, हम यही देखते हैं कि एक सरकार, एक पार्टी दूसरी पार्टी का शोषण करती है। तो जैसे कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, राजनीतिक संगठन बनता है, वह अनेक किसी भी अन्य प्रकार के वादे कर सरकार बना लेती है। तो अन्य जो पार्टियां होती हैं सामने, वो उनका शोषण करने की कोशिश करती हैं, वे लोगों पर वो विवाद करने की कोशिश करती हैं कि इन्होंने तो अन्य प्रकार के वादे किए थे और ये उनको पूरा नहीं कर सके हैं। और इसी तरह से आज तक कई अन्य सरकारें बनी और वे भी अपना वे भी अपना वादा, अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन जो अन्य पार्टियां होती हैं, वे हमेशा ही विवाद के लिए खड़ी रहती है, क्योंकि जो एक पॉलिटिक्स है, ये किसी प्रकार एक तरह का जुआ ही है, जिसमें कि हम एक दूसरे पर वे लांछन लगाती हैं, एक दूसरे का शोषण करती हैं, विवाद करती हैं कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सके और इन्होंने तो ऐसे का, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। दूसरी अन्य पार्टियों को उनकी सरकार की अच्छी बातें भी बुरी, अच्छी बातें भी उल्टी लगती हैं और वे उनका गलत मतलब निकालकर जनता को बताती हैं, जनता के सामने प्रस्तुत करती हैं, अपने व्यक्त भाव को प्रकट करती हैं और जनता उनके विचारों में आकर, उनकी बातों में आकर वो अगली सरकार में उनको चुनती है और इसी तरह से वे सरकार बना लेती हैं। और यही प्रक्रिया आज तक चलती आई है दोस्तों, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो सरकार बनने से पहले कोई भी पार्टी लोगों से अन्य प्रकार के वादे करती है कि हम, जैसे कि हम सड़कें बनाएंगे, हम सब्सिडी देंगे, हम लड़कियों को शिक्षा प्राप्त कराएंगे, हम फ्री में बच्चे पढ़ाएंगे, हम खाना, हम स्कूल के टाइम विद्यालयों में खाने की योजना बनाएंगे, और इसी तरह से वादे कर वे गरीब लोग, खासकर इन बातों में गरीब लोगों को ज्यादा वे अपना अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गरीब लोग उनकी बातों में जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा इन सब चीजों की आवश्यकता रहती है दोस्तों। जैसे कि नौकरियों की, लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा की, बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की, फ्री खाने की, फ्री सब्सिडी की, तो इन्हीं सब चीजों की जरूरत ज्यादातर जरूरत हमारे गरीबी सेक्टर को है। तो वे उसको ही अपना निशाना बनाकर उसी पे ही अपने भाषण देती है, उन्हीं पे ही अपने विचार प्रकट करती है, ताकि वे उनकी बातों में आ जाए और अपनी उनकी सरकार को सत्ता में लेकर आए। राजनीति का पोस्टमार्टम हो रहा है और होता भी आया है, लेकिन हम इसको आने वाले भविष्य होते हुए इस चीज को रोक भी सकते हैं दोस्तों। हमें जैसे कि पिछले कई सालों से होता आया, हमें ऐसा होने से रोकना होगा और ऐसा हमें अपने भारत देश को अटल अटूट बनाना होगा, जिससे कि ये सब प्रक्रिया सब रुक जाए और आगे आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो। धन्यवाद।